बस्तर के सात जिले नक्सल प्रभावित इलाके हैं और इन इलाकों में नक्सलियों ने कई बार बस्तर को खून से लाल भी किया है। धीरे धीरे अब इन इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा भी हो रहा है और अब नक्सल क्षेत्र में रह रहे युवा जो अभी तक बाहर कदम नहीं रख पाए थे, अब उन्हें बाहर का कल्चर जानने व बस्तर के कल्चर को लोगों को बताने बाहर भेजा जा रहा है ताकि वे कल्चर को समझ और समझा सकें। बस्तर के सात जिले नक्सल प्रभावित इलाकों में आते हैं और इन इलाकों में नक्सलियों ने कई बार बस्तर को खून से लाल भी किया है। धीरे धीरे अब इन इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा भी होते देखा जा रहा है। नक्सल क्षेत्र में रह रहे युवा युवतियों ने अब तक बस्तर से बाहर कदम नहीं रखा था। CRPF 80 बटालियन और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आदिवासी आदान प्रदान के द्वारा बच्चों को बाहर के कल्चर के बारे में जानने पहचानने के लिए भेजा जाता है। इससे पहले भी 80 बच्चों को राजस्थान के जयपुर भेजा गया था जहां उन्होंने बस्तर के बारे में उन्हें बताया और वहां की संस्कृति लेखक बस्तर पहुंचे थे। आज भी CRPF नेहरू युवा केंद्र के द्वारा नक्सल क्षेत्र के 100 युवा युवतियों को लुधियाना के लिए भेजा गया है ताकि ये बच्चे वहां पहुंचकर लोगों के साथ बस्तर के कल्चर के बारे में बताएं और वहां की जो संस्कृति है वह लेकर बस्तर पहुंचकर नक्सल क्षेत्र के युवक युवतियों को बताएं। अब धीरे धीरे बस्तर बदल रहा है। यहाँ के लोग अब उस दुनिया को देखने जा रहे हैं जो दुनिया उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। सभी के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। बाद आदान प्रदान कार्यक्रम है जिसमें कि CRPF और नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कुल 105 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और ये लुधियाना का ट्रिप है। इस ट्रिप का मेन मकसद है कि हमारे बस्तर क्षेत्र के जो युवा हैं वो देश के दूसरे क्षेत्र में जाएं, वहाँ अपने संस्कृति के बारे में बताएं और वहाँ का जो संस्कृति, वहाँ का जो विकास वो देखें, वो समझें और वो फिर अपने क्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों को बताएं। ये संस्कृति का आदान प्रदान के तो ये MHA के डायरेक्शन के पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और अभी 13वां साल में ये 13वां का दूसरा चरण चल रहा है तो इसी को रखते हुए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी सारे प्रतिभागी जो हैं लुधियाना के लिए मार्च करेंगे और ये 29 तारीख तक है, 29 मार्च तक का है और वहाँ से वापस। ये जैसे कि 21-22 का ये दूसरा चरण है और इस साल में ये इसके पहले जो है जयपुर गए थे और इस बार लुधियाना जा रहे हैं तो देश के अलग अलग कोने में भेजा जाता है। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 13वां साल में ये प्रोग्राम कार्यक्रम जो है प्रवेश कर चुका है तो अभी तक जो है कि हर एक साल दो चरण में होता, तीन या चार भी हो जाते हैं तो काफ़ी ऐसे चरण आ चुका है जिसमें कि हमने देश के विभिन्न कोनों में हमारे जो प्रतिभागी हैं वो घूम चुके हैं। आज कुल 105 है। ये बस्तर क्षेत्र के बस्तर और सुकमा से। नमस्कार, मैं अंजलि, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर से। आज हम यहाँ पे 13वीं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के का यहाँ विमोचन कर रहे हैं जिसका ये दूसरा चरण है। इसमें कुल 100 प्रतिभागी और 6 स्कॉट्स जो हैं वो लुधियाना के लिए प्रस्थान करेंगे। ये पूरे इनके एक हफ्ते का टूर होगा जिसमें इनको कल्चरल एक्सपोज़र मिलेगा। ये अपने ट्रेडिशन, कल्चर और भाषा और दूसरों की भी इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से लेकर हर एक चीज़ एक दूसरे स्टेट में एक नई जगह पर जाकर सीखने का इन्हें मौका मिलेगा। इस पूरे एक हफ्ते में हम जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा एक्सपोज़र देना चाहते हैं जो कि मेन स्ट्रीम से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं किन्हीं कारणों से। ये कुल प्रोग्राम जो होता है ये टोटल 15 स्टेट्स जो सिलेक्टेड स्टेट्स हैं वहाँ पे किए जाते हैं और टोटल LWE अफेक्टेड जो स्टेट्स होते हैं वहाँ से सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो अलग अलग जगहों में अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस लेते हैं और शेयर भी करते हैं। इससे पहले जयपुर गए थे। इस साल की अगर हम बात करें 2021-22 की तो जयपुर में कुल 80 बच्चे गए थे जो कि बस्तर और सुकमा से थे और कुल जहां पार्टिसिपेशन होता है वहां 200 बच्चे अलग अलग जगहों से पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार लुधियाना जहां जा रहे हैं वहां टोटल 100 बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। और मैं बस्तर क्षेत्र के नक्सली प्रभावित क्षेत्र से हूँ। नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर और CRPF कैंप के द्वारा हमें अलग अलग जगहों पर घुमाया ले जाए। 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम
अभी लुधियाना जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। जब बस्तर क्षेत्र इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि वहाँ से हम किसी भी चीज़ को उतनी जान अच्छे से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह रहन सहन खान पान जो चीज़ हमको सीखना है वो हम दूसरे जगह से सीख सकते हैं। जुगलूकर मैं बास्तनार ब्लॉक का हूँ और मैं नेहरू युवा केंद्र के ओर से मैं अभी घूम कहीं कार्यक्रम के ओर से जा रहा हूँ। और यहाँ का जो कल्चर प्रोग्राम होता है वो तो रहता है, यहाँ का कल्चर प्रोग्राम को जहाँ बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो वहीं जाके दिखाने का मौका मिल रहा है। और वहाँ जो हो रहा है, जो स्थिति वहाँ है, वो हम लोग यहाँ गाँव में आके बहुत अंदरूनी एरिया में ऐसा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है ना कुछ, ऐसे ही सब वहाँ जाके क्या व्यवस्था है वहाँ देख के आएंगे। और मोटे हम लोग यहाँ जो युवा है, गांव के युवा है, उन लोगों को मोटिवेशन हम लोग कर सकते हैं इसीलिए। या और नेहरू युवा केंद्र के ओर से बहुत ऐसी कार्यक्रम होते जा रही है ना, वहाँ हम लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते रहेंगे और हमेशा गाँव में सुधार लाते रहेंगे। हमेशा से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा बस्तर, अब वहां के युवक युवती बाहर की दुनिया देखकर न बस्तर के बारे में बताएंगे बल्कि दूसरे कल्चर को भी यहां पर लोगों को बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।